तो गाइस टुडे आई एम कमिंग टू अ न्यू वीडियो तो चलो आपका खाना शुरू करते हैं। तो जो भी है आज बना है बहुत ही शॉर्ट वीडियो, मतलब उतना शॉर्ट नहीं, 6 मिनट 16 सेकंड का। तो इधर है लोकल शीम, साथ में लाई पत्ता और धनिया पत्ता और ये जो आलू होता है वो। तो आज बना है शिम चौचुरी, जिसको हम बंगाली में बोलते हैं शिम चौचुरी, बट हिंदी में मुझे इसका फुल नेम नहीं पता, शिम का भी नहीं और शिम चौचुरी का भी नहीं। तो ये रेसिपी का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये देखिए पंचपूरन डाल दिया गया है और इधर आलू डाल दिया गया है फ्राई होने के लिए। तो देखिए मैं कोई यूनिक रेसिपी नहीं बोलना चाहती, बट हाँ यूनिक रेसिपी थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि जब से बहुत पुराने ज़माने से, मुझे पता नहीं कब से, लेकिन पुराने ज़माने से मिठाई रहता है, पुराना मुझे नहीं पता है कितने ज़माने से, लेकिन हम मेरी दादी को भी देखा है, मेरी मम्मी को भी देखा है खाते रहे और इसमें फ्राई पत्ता डाल के याद खाया जाएगा। तो कैसा लगता है उसके लिए देखने के लिए ना आप लोग देखिएगा। फुल वीडियो चल रहा है। तो देखिए शीम और आलू डाल के इधर नमक, सॉरी सर नमक हल्दी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो मम्मी एक हाथ से पकड़ती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वीडियो थोड़ा उल्टा सीधा ऐसा हो रहा है। तो देखिए तो इधर हल्दी डाल दिया जा रहा है। तो गाइस अभी यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया जाएगा, मतलब मिक्स कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और क्योंकि बहुत ही गया है और ऐसा रेसिपी बहुत रेयरली आपको ऐसा स्वादिष्ट साथ में इंटरेस्टिंग रेसिपी मिलता है। तो इधर 4 मगज और साथ में थोड़ा सा 2-3 मिर्चियाँ डाल के टेस्ट कर दिया है, इसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। ज़्यादा हमने ना पीछे करा चार मगज ना और 4 मगज ऐसे छोटे छोटे दे सकते हो। इधर मेरा भाई देखिए पानी पी रहा है और इधर कोई कोई जाने से इग्नोर करना प्लीज, क्योंकि भाई कुछ भी बोलते रहते हैं। तो भाई जितने में लंबा होने के लिए मुझे 3.5 साल का ही बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है, जो इसका 6 फुट है और मैं भी 4.5 साल से 2 फुट का डिफरेंस। तो चलो जो भी है, तो इधर कोई और रेसिपी मैंने बोला है, क्योंकि यहाँ पर टी वी चल रहा है उधर मैं वही करूँ। तो अगर आप कोई वर्क आए इग्नोर करना तो मेरे वर्क इग्नोर मत करना। तो चलो हमारे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इधर जो लाई पत्ता का डाटा होता है, आप लोग अगर आपका गार्डन या फिर कोई बालकनी में अगर आप लोग को कोई छुट्टी होता है तो फिर ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाजार से खरीदना भी उतना अच्छा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती। अगर ज़्यादा बालकनी से या फिर कुछ हमारे यहाँ पर बस 60 सब्जियों का पेड़ है, क्योंकि बैंगन और बाकी सब खरीदता ही है। तो चलिए इधर ये देखिए मिर्ची का पाउडर डाल दिया गया है और इधर अभी मिक्स कर दिया गया है, थोड़ा सा कलर लगता है। ये कश्मीर लस्सी भी मिल गया है हमें नॉर्मल वाला, और इधर थोड़ा शक्कर कम बजे थोड़ी, तो देखिए बहुत कम चीनी मिलाया दिया गया है, क्योंकि हम लोग इतना शक्कर मीठा नहीं खाते। आप लोग चाहने से अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो तो आप लोग कश्मीरी लस्सी जा के इसके बाद आप लोग नारियल का वो पाउडर जैसा होता है वैसा डाल सकते, पता नहीं है कैसा डाल सकते हैं, बट जो भी है टेस्ट तो डाल दिया गया है। अभी इसको थोड़ा सा सूप एकदम नहीं रखा जाएगा, ग्रेवी भी नहीं, हम लोग इसको एकदम फ्राई कर देंगे, बट थोड़ा सा ग्रेवी होगा। मेरा इंग्लिश नहीं कह रही। तो ये देखिए कलर भी अच्छा है, तो आज मैंने भी चखा था तो बहुत ही अच्छा है, बट जो लाई पत्ता का जो ये
डाटा मतलब नीचे वाला डंडा जैसा कुछ होता है ना, इस ये आप काला नमक के साथ ज़्यादा खाने से अच्छा होगा क्योंकि इसका स्वाद बहुत बेकवास है, बट फिर भी बहुत अच्छा है और हेल्दी रेसिपी भी है ये, आप लोग खा के ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर धनिया डाल दिया गया है, धनिया अच्छे से गार्निशिंग के लिए डाल दिया गया है। तो इधर देखिए धनिया डाल के इधर हमारा रेसिपी तैयार है, और तैयार होने के बाद हम लोग इसको सर्व करेंगे एक थाली में, क्योंकि ये प्लेट में सर्व नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है, उतना ज़्यादा नहीं बट ये मीडियम है तो उतना नहीं हो सकता प्लेट में सर्व, तो आप लोग किसी बाउल में भी सर्व कर सकते हो। तो हमारे लिए बाउल में ये कम लग रही है, हम लोग थाली में सर्व करेंगे। तो देखिए तो हमारा रेसिपी तैयार है, आप भी ऐसे ट्राई करके देखिएगा अपने घर में, सबको खिलाइएगा, आप बहुत खुश हो जाओगे। तो बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब टू पारमिता लादिप किचन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल न्यू वीडियो आएगा, बाय बाय।